देश भर के लाखों डिफेंस पेंशनर का नेशनल जगत यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में आप चार महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे, जिसमें एक रहेगी ECHS लाभार्थियों के लिए उपयोगी, दूसरी जानकारी में आप MSP बेनिफिट को लेकर जो खबर आई है वह देखेंगे, तीसरी और चौथी जानकारी इंडियन एक्स सर्विस में लीग के दो लेटर महत्वपूर्ण लेटर आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। सीधे चलते हैं पहली जानकारी की ओर। अगर आप ECHS बेनिफिशरीज हैं, अगर आप ECHS के लाभार्थी हैं, तो ECHS ने जो ये एंड्रॉयड ऐप जारी किया है, इसको लेकर एक अपडेट आई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको इस ऐप का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता हो तो आपको बता देता हूँ कि ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। इसमें ECHS के लाभार्थी अपने कार्ड नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद में कोई भी अपडेशन यहाँ से वे कर सकते हैं। अगर वे नए यूज़र हैं तो उन्हें यहाँ न्यू यूज़र में जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। किसी भी कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं मोबाइल नंबर के माध्यम से। सिर्फ मोबाइल नंबर आप लगा के एंटर करेंगे तो आपका स्टेटस आपके सामने होगा। ECHS कॉन्टैक्ट आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। क्लेम स्टेटस है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पट्टी आई हुई है ये, बाकी ये क्लेम स्टेटस का ऑप्शन है। और हॉस्पिटल डिटेल देख सकते हैं। अब इस ऐप को लेकर जो अपडेट आई है, वो अपडेट ये है कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं अगर, तो फिलहाल एक बार रुकना पड़ेगा आपको। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में जब आप ECHS बेनिफिशरीज ऐप आप लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने ये ऐप आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फ़िलहाल इसको हाइड किया हुआ है प्ले स्टोर से। बहुत जल्द इसमें कोई अपडेशन चल रहा है, उसको अपडेशन करने के बाद इसको जल्द ही यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि इसके चक्कर में आप कोई अन्य दूसरे ऐप डाउनलोड ना कर लेवें एक बार जब तक ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं MSP बेनिफिट के ऊपर। जो दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है वो ये है कि MSP का फ़िलहाल कोर्ट में मामला चल रहा है, और फिलहाल तक जो सुनवाई हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि JCO और जवान हैं उनका पक्ष मजबूत रहा है, और सरकारी वकील जो अधिकारियों के पक्ष में पैरवी कर रहा है उसकी पैरवी कमज़ोर रही है। आपको बता दें कि MSP का जो केस है, हाल फिलहाल तक यही लग रहा है कि JCO और जवानों के पक्ष में जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि JCO और जवान MSP का केस जीत जाते हैं तो क्या MSP का फ़ायदा नेशनल वालों को ही मिलेगा, या क्या MSP का फ़ायदा वन रैंक वन पेंशन वालों को मिलेगा, या फिर दोनों को मिलेगा? तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यदि हम कोर्ट में केस जीत जाते हैं, JCO OR जो हैं MSP का केस जीत जाते हैं, तो सारे जो पेंशनर हैं, सभी रैंकों के सभी पेंशनर जो हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है, और सभी की पेंशन है उसमें MSP ऐड होकर आएगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो कितने रुपए आपके बढ़ने वाले हैं, तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपकी बेसिक के हिसाब से आपको बता देंगे कि आपकी कितनी पेंशन आपको मिलने वाली है बढ़ी हुई MSP के साथ में। अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की ओर से आ रही है। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने दो लेटर जारी किए हैं, और दोनों लेटर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला लेटर है, उसमें आपको बता दूँ कि उन्होंने एम्स के लिए लिखा है, उन्होंने लिखा है CGHS में जिस तरह से कैशलेस सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उसी तरह से ECHS में भी एम्स में कैशलेस सुविधाएं प्रदान कराने के लिए यहां पे उन्होंने लेटर लिखा है। और इंडियन एक्स सर्विसमैन ने यहां पे गुजारिश की है, विनती की है कि जो भी पेंशनर ECHS के लाभार्थी हैं उन्हें जो कैशलेस ट्रीटमेंट का फ़ायदा एम्स में मिलना चाहिए। उसके बाद में इसी इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग का ही दूसरा लेटर आपके सामने यहाँ पे है, जिसमें वे एयरफोर्स के जो एसोसिएशन हैं उनके साथ में मीटिंग करी है, और आपके सभी मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा करी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग और इंडियन एयरफोर्स एसोसिएशन के जो चर्चा हुई है उसमें वन रैंक वन पेंशन के सेकेंड के रिवीजन और उनकी एनोमलीज को लेकर भी चर्चा हुई है। OMJC रिपोर्ट का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, और उसके अलावा स्पर्श पेंशनर हैं, ECHS बेनिफिशरीज जो हैं
और उसके बाद में एनहेंस पेंशन ओल्ड एज के ऊपर जो स्टार्ट होती है, उसके अलावा यहाँ पे वीडो पेंशन, प्रपोजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ वेटरन्स, इसके अलावा सोलर पार्क जो है, इसके अलावा कोल ट्रांसपोर्टेशन है, और यहाँ पे सिविल हाई। इसी के साथ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ने वन रैंक वन पेंशन और जो अदर एनोमलीज जो हैं उनके समाधान के लिए जो FVA है उसकी तरफ से राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सचिवों के लिए ये ज्ञापन लिखा है। ये ज्ञापन में क्या लिखा है आइए देख लेते हैं। इसमें ज्ञापन में ये लिखते हैं कि गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के कल्याण के लिए ये गठित किया गया संगठन जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, इसकी सूचना जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से विभिन्न जो ज्ञापन दिए गए हैं उनके माध्यम से जो जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए वार्ता के माध्यम से समाधान करने की यहाँ पे मांग की है। आगे ये लिखते हैं कि ये जो गैर अधिकारी संगठन जो है पूर्व सैनिकों का, जिसमें वीरांगनाओं के कल्याण के लिए और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए इसका गठन किया गया है और इसका रजिस्ट्रेशन है ये अभी प्रक्रियाधीन है। आगे लिखते हैं कि ये तीन चरणों में हमने आपको यहाँ पे ज्ञापन भेजे हैं। पहला चरण था 20 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के साथ साथ ही 3 अप्रैल को जिलाधीशों के माध्यम से ज्ञापन दिए गए थे। ये पहला चरण था जिलाधीशों के माध्यम से ज्ञापन देने का। उसके बाद में 30 अप्रैल 2023 को ये बताते हैं कि हमने सांसदों के माध्यम से ज्ञापन दिया था, और उसके बाद में तीसरे चरण में 30 मई 2023 को देश के सभी तहसीलदार और SDM के माध्यम से ज्ञापन देकर राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी हैं उनको इस मामले से पहले से अवगत कराया जा चुका है। आगे इन्होंने पेंशनर की सभी मुद्दों को उठाते हुए लिखा है कि सरकार के सामने जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन है, ORP है, MSP, विकलांगता पेंशन, सरकार द्वारा अन्य जो भी सुविधाएँ हैं उनमें भारी विषमताएँ हो गई हैं, क्योंकि सरकार के सामने जो पूर्व सैनिक जो हैं और जो वीरांगना हैं उनकी मांगों को सही तरीके से सरकार के समक्ष अभी तक रखा ही नहीं गया है, सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए आगे ये कहते हैं कि हमारे संगठन जो है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, उसके पदाधिकारियों से ही आप वार्ता करें और फिर ही आप कोई समाधान निकालें। और आगे यहाँ पर ये शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि जल्द से जल्द आप वार्ता के लिए स्थान और तिथि की सूचना है वो आप हमारे को दें और जल्द से जल्द है वो आप हमारी मांगों को सुनें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।